Hello everyone, welcome you all in today's session. Today we are going to study a very important topic, that is sexual transmitted diseases, means STDs. So let's start with the topic. So what are STDs? Sexual transmitted disease, as the name is indicating, that sexually transmitted means the diseases which are transmitted or which spread by the sexual intercourse with any infected person. Suppose this is male and this is female. If any one of these partners are infected, suppose male is infected. What do you mean by infected? That if this male is having any disease causing bacteria, virus, nematode or protozoan, any disease causing pathogen, so this person is, this male is infected. And if it makes the, if he makes the sexual intercourse or mating with this female, so these germs will be transferred from the male to the female, and the female will be infected. So the diseases which are spreading or which are transmitted from one person, from infected person to the healthy person by the sexual intercourse, so these are STDs or sexual transmitted diseases. देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में आप बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं एड्स. तो व्हाट आर द एग्जांपल्स? तो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज वेरी कॉमन डिजीज, दैट इज एसटीडी, साइफिल्स, गोनोरिया, जेनाइटल हर्ब्स रिलेटेड टू द जेनाइटल सेक्स ऑर्गन्स, जेनाइटल हर्ब, क्लैमाइडियासिस, तो दीज एटसेट्रा. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसटीडीज. देखिए जो एसटीडीज हैं, दे मे बी कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, नेमाटोड्स, फंगी. तो एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस. लाइक एड्स है, एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस, एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. साइफिल इज कॉज बाय बैक्टीरिया, गोनोरिया इज कॉज बाय बैक्टीरिया, जेनाइटल हर्ब्स इज कॉज बाय वायरस. तो दीज डिजीजेस मे बी कॉज बाय एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियम और एनी काइंड ऑफ जर्म्स. तो नाउ वी नीड टू डिफाइन व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द एसटीडी. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एसटीडी मींस हाउ the STDs are spreaded. So first, very common jo cause hai, that by making the sexual intercourse with the infected person. Suppose this is male, this is female. If male is infected or having that kind of germs, and if this infected male makes the sexual intercourse with the healthy person, healthy female, so the semen, infected semen will be injected in the body of the female and the female will be infected. Thus, first cause we can say that by making the sexual intercourse, the sex with infected person. This is one of the cause. And second cause, by using the needles or syringe again and again. कि एक ही syringe को बार बार use करने से, like infect जो infected needles का use करने से, यानी by using the infected needles और क्या cause हो सकता है? By making the sexual intercourse with more than one partners, यानी multiple partners. By making the sex with multi partners, एक से ज्यादा लोगों से सेक्स करने से भी जो है ये एसटीडीज होती है. आफ्टर दैट और क्या कॉज हो सकता है? जो एसटीडीज हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, दीज आर इनहेरिटेड और दीज स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड. कि इन्फेक्टेड मदर, कोई मदर इन्फेक्टेड है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द प्लेसेंटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दीज डिजीजेस विल बी स्प्रेडेड और विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर टू द फिटस.
यानी कि ट्रांसमिटेड, दिस मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड. तो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस ऑफ एस्टिडिस, दैट हाउ एस्टिडिस स्प्रेड्स. ऑल क्लियर. आफ्टर दैट व्हाट आर द मेथड्स बाय विच एस्टिडिस कैन बी प्रिवेंटेड, कि जो एस्टिडिस हैं उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. हाउ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन या प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन दैट हाउ कैन बी प्रिवेंटेड. तो एज यू नो द कॉजेस ऑफ द एस्टिडिस, तो सिंपली बाय गेटिंग अवेयर फ्रॉम द कॉजेस द प्रिवेंशन कैन बी टेकन. तो हाउ, एज यू नो द कॉज दैट एस्टिडी मे अकर बाय मेकिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन. तो बाय प्रिवेंटिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन. और हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स सम प्रोटेक्टिव मेजर शुड बी यूज. इफ द मेल एंड फीमेल आर हैविंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सम मैकेनिकल बैरियर्स कैन बी यूज लाइक कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप्स, वजाइनल कैप्स. दीज कैन बी यूज, दीज कैन, जो बैरियर्स हैं दे विल प्रिवेंट द इंजेक्शन ऑफ द सीमन इन द बॉडी ऑफ द फीमेल फ्रॉम द मेल बॉडी. तो सिंपली यू कैन राइट दैट बाय प्रोटेक्टिव मेजर्स, यानी कि प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सेक्स, कि सेक्स के दौरान प्रोटेक्शन यूज करके, कि विच प्रिवेंट द इंजेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी ड्यूरिंग सेक्स. आफ्टर दैट बाय प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज बार बार यूज नहीं करना चाहिए. मीन्स इफ नीडल हैव बीन यूज्ड दे मस्ट बी डिस्कार्डेड आफ्टर सिंगल यूज. आफ्टर दैट बाय इनहिबिटिंग द और बाय प्रिवेंटिंग द सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए. बाय अवॉइडिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स. आफ्टर दैट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रेगुलर चेकअप शुड बी परफॉर्म ऑफ द मदर, कि मदर के जो है वो चेकअप होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सो दैट द इनहेरिटेंस या ट्रांसमिशन ऑफ द एस्टिडी फ्रॉम द मदर टू द फीटस कैन बी प्रिवेंटेड. तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, दैट हाउ द चांसेस ऑफ एस्टिडीज कैन बी रिड्यूस्ड. तो दिस इज ऑल अबाउट एस्टिडीज, इन विच यू हैव टू स्टडी व्हाट आर एस्टिडीज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एस्टिडीज, एग्जाम्पल ऑफ एस्टिडीज, and after causes what methods of prevention from STDs. So this is all about STDs, sexual transmitted diseases. In the next lecture we will continue with our next topic, that is medical termination of pregnancy. Thank you.